किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज हम आए हैं रोहटा गांव में और एक ऐसे मेहनती किसान है, देखो रिंग पीटे गड्ढे पूरे 12 बीघे में कर रखे। मैं मिलवाता हूँ, क्या हाल है जी? नमस्कार। नमस्कार जी, थोड़ा परिचय तो भाई अपना। और जी मेरा नाम आदित्य है, गांव रोहटा, जिला मेरठ। तो ये आपने क्या सांग कर दिया, इतनी मेहनत कर रखी? बब विधि बदली जी, देखेंगे अब क्या होगा। इसमें पहले वो रखा था तो क्या हाल कर रहे इस काम को? जो भी एक साल हो गया, पिछले साल लगे तो लाभ दिखाई दिया। हाँ जी, तो लेकिन मेहनत ही बहुत, हर किसान नहीं कर सकता इस काम को। बस किसान है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी जी, बिना तो मेहनत क्या मिल रहा। आप गड्ढा विधि पे कैसा है, कैसे दिमाग में आई हो, किसकी देखी थी पहले? कैसे हमारे साथी आए गए, उनकी देखी थी, आसपास में देखी, वीडियो देखी, जो है उनसे बूझी, जानकारी ली, तो हमें इसमें लाभ लगा। सादी विधि से 28 इंच से हमें इसमें लाभ लगा जाते। तो पिछले साल बोई थी आपने? पिछले साल 5 एवरेज आया उसका? अभी कटी नहीं जी वह सारी। तो कटने से पहले आप मेहनत कर रहे हो दोबारा? हाँ जी। तो लग रहा है पैदावार अच्छी हो? पैदावार हाँ, इससे तो काफी ठीक रहे। तो ये गड्ढे की चौड़ाई वड़ाई क्या है इनकी? गड्ढे की इसकी है जी 2.5 फीट चौड़ा गड्ढा है। 2.5 फुट? हाँ जी। और खुट से खुट की दूरी? एक गड्ढे के सेंटर से अगली लाइन का जो सेंटर है वो है जी 5.5 फीट। 5.5 फीट नून? हाँ जी, ऐसे जी, ऐसे जो है 5.5 फीट है और ऐसे है 4 फीट। 4 फुट? हाँ जी। ये इसमें कौन कौन सी वैरायटी बो दी आपने? इसमें तो जी ये जो लाइन है, देखो यहाँ बताऊँ मैं आपको, इसमें तो सब नई वैरायटी, शाहजहानपुर की वैरायटी है 17231 इसमें। हाँ जी, वहाँ तक बोती है तक? हाँ, ज्यादा ना थोड़ा ही मिल पाया था, इसमें 10-15 गड्ढे ही है बस। और दूसरा? और इधर है UP 5125। UP 5125? हाँ। और अगले में? और इसमें जी थोड़ा सा मिला था, एक जगह बोया जो PVP 95 में। अच्छा जी। हाँ जी। और आगे भैया वो भी PVP 95 में गया जी, 20 गड्ढे हैं ये भी, मतलब जितना मिलता है उतना बहुत। हाँ, जो थोड़ा थोड़ा नया बीज तो शुरू में थोड़ा ही बोया, बाकी कौन सा बोओगे सारे में? इसमें तो सारे में 13235 बोओगे। 35 ही बोओगे? 35 अच्छा लगा? हाँ, 35 समझ में आ रहा जी। कारण क्या लगा, मतलब लागत कम है कैसे उसमें? एक तो उसमें जी रोग कम है। अच्छा, पैदा भी बढ़िया है और यूरिया भी या कीटनाशक भी जो भी है कमी चाहिए उसे, ज्यादा मतलब ताम झाम की जरूरत नहीं। जैसे 38 में तो अब एंड ही समझो 38 का, तो और जड़ तो 38 नहीं जमाई किसानों की, पर अब रोग आ गया इसमें 38। अच्छा, गड्ढा विधि का पिछले साल तो आपने कैसे करे थे गड्ढे? एक किराए पे करवाए थे जी, एक है दुराया खतौली का है। अच्छा, उसका करवाए थे। आपका खरीद लिया? आपका अपना ले लिया। अब दिखाना किस तरह का है। हाँ जी, चलो आ जाओ। किसान भाइयों, ये है वो बर्मा जिससे गड्ढे किए जा रहे, क्या नाम है इसका? इसे बोल रहे था जी रिंग पिट डिगर। रिंग पिट डिगर ये बनाया कहाँ का जी? यो खतौली बनवाया था जी, शक्ति इंडस्ट्रीज खतौली। हाँ जी भाइयों, आदिल हैं, आदिल भाई हैं, वो उन्होंने बनाया, बनाया तो ये अच्छा लगा, कामयाब है बिल्कुल। हाँ जी, बढ़िया मशीन बना रखी है उन्होंने भी जो है, कितनी शानदार आ रही है भाई। देखो गड्ढा कर रही है किस तरह, उनकी सर्विस भी बढ़िया लगी हमें। इसमें थोड़ा सा एक वोल्ट में दिक्कत सी थी, तो मतलब यहीं आके करके गए, सही, कोई दिक्कत। अच्छा अच्छा, व्यवहार सही है उनका जो, बढ़िया है। भाई इनका नंबर है 98-97-89-25-19। किसी भाई की जरूरत हो अब भाई हम चलवा के दिखाएंगे इसको, थोड़ा चला के दिखाओ। क्या शानदार आवाज है भाई, चल गया ट्रैक्टर जो उठा लिया। बापरे लोड ट्रैक्टर लोड मानता है, बच्चे गड्ढा फटा दी। अरे बापरे भाई, जो ट्रैक्टर के आता है पट गया लोड पटा, पीछे 50 पावर का ट्रैक्टर चाहिए, डबल वाला तो चलेगा 60 पावर वाले में। भाई इस तरह गड्ढे होते हैं, किसान भाइयों देखिए।
क्या क्या थकी निकाल के भाइयों गन्ना बोनेगी। इसकी पीटी चल रही है गियर बॉक्स में परमानेंट चल रही है। भाइयों कैसा लगा आपको काम जरूर बताना। ट्रैक्टर लोड भरता है भाइयों। तो भैया एक बात बताओ, आपने ले तो लिया है। हाँ जी। तो इसका लाभ लगा है नुकसान दिखा? हाँ जी लाभ लगा जी, हमें तो लाभ लगा। लाभ लगा, आप अपने विचार है, किसी को लगा ना लगा, हमें लगा। तो ये जरा गड्ढा कर रहे हो। हाँ, तो इसमें कुछ पैमाइश करनी पड़े, कैसा करो गड्ढा? हाँ जी पैमाइश है, फित्ते से नाप लिया था, 2.5 फीट चौड़ाई है इस गड्ढे की। अच्छा जी। और एक गड्ढे से अगला गड्ढा जो है इनका सेंटर 4 फीट है। अच्छा जी। और एक गड्ढे से दूसरे लाइन जो है, एक लाइन से दूसरी लाइन, वह 5.5 फीट है। चलेगा इसे पावर टीलर? फिर पावर वीडर चला लो, कोई दिक्कत ना, मिट्टी पिट्टी सब अपने आप ही भर दे बाद में इसमें। पर मुझे तो कपास से बहुत लगी इसमें, ऐसा कुछ नहीं बताओ जी। जब लगते ना, जब भी लगे कपास से, हम जो है सब शुरू में करा था, हमें भी नहीं लगा था खेत में, जब गड्ढे हो गया क्या फटा की। हाँ जी जो 4 फुट। हाँ जी इसे ना ज्यादा भाई, गड्ढे गड्ढा 4 फुट है। हाँ जी इसका सेंटर, इसका सेंटर देख लो जी, 48 इंच होगी। 48 इंच है भाइयों ये सेंटर, मानो सेंटर से सेंटर, सेंटर हाँ। हाँ जी। और ऐसे लाइन जो है, ऐसे जो है 5.5 फुट, 5.5 फुट, 5.5 फुट। तो बाद में 3 फुट जगह बचेगी, 3 फुट या खाली जगह बच जाएगी जी, 3 बचेगी। और उस 3 फुट से मतलब हम उस पावर वीडर से खाली, जैसे घास खरपतवार हो उसे जोत लो, मिट्टी भर लो इन गड्ढों में, लेबर का भी कोई खर्चा नहीं होने का बाद। तो इसमें डाई वाई कुछ गिरी कुछ नहीं गिरी? वाह अभी तो ये गड्ढे हुए जी, इनमें जो है नाली बनेगी और गोबर डलेगा थोड़ा थोड़ा। तैयार है? हाँ जी टाइकोडर में मिला के गोबर जैसे तैयार कर रखा हमने। एक बार उधर और दिखा दो, मल्ले ना हो किसी गोबर का खाद वैसे पोषक है ना हो तो कोई जरूरी ना है, गोबर का खाद ना हो मत डाल लो। ये जैसे गड्ढे बनाए तो इसमें नाली बना दी। अच्छा। नाली के बाद थोड़ा थोड़ा गोबर फेंकते चले गए। अच्छा अच्छा। हाँ जी अभी आँख बो गई इसमें, अब इसमें जो है 15 से 17 काछी लगा दो, 2 आँख की मतलब की 30 से 34 आँख के बीच में लगा सकते हो। एक आँख ही पोसा है किसान? नहीं नहीं हम तो देखो सलाह देते नहीं, एक आँख की दो की ताकत अलग है, दूसरा एक है बारिश हो जाओ या फिर किसी और का पड़ोसी का पानी टूट जाओ, मट्टी ज्यादा आ जाओ, पानी लेट हो जाओ, तो 2 आँख की काछी सब झेल जा, एक आँख की पे झटका नहीं झेलने का। 2 की में कवाहत भी कम है? हाँ जी तो गुल्लर से काट लेगा, लूर से, उसमें तो घनी कबात पड़े, कबात भी ज्यादा है। और इसमें जो है 1 बीघे में 400 गड्ढे हैं जी। 1 बीघे में 400 गड्ढे? 1 बीघे में 400 गड्ढे, तो 1200 गड्ढे बैठेंगे। हाँ जी बहुत बढ़िया जी। तो अगर भैया मान के चलो एक गड्ढे से हमें 50 किलो गन्ना भी मिला। हाँ जी। तो अच्छा बैठेगा ही साहब? हाँ जी यो हिसाब मत बताओ ना, फिर किसान गाड़ी दे लगे पैसे नहीं बटन देने का, एवरेज ना बताओ। कुल मिलाकर आपको शादी भी हमें बढ़िया लग रही जी, जिसे बढ़िया लगे बोलो, जिसे ना लग रही ना लग रही बहुत बहुत किसी पर जबरदस्त। इसे क्या बोलते हैं, गड्ढा विधि, रिंग पिट मेथड, गड्ढा विधि, गड्ढा विधि। भाइयों आपको कैसी लगी जरूर लाइक करना। नमस्कार।